दूर रहना चाहिए। विधवाओं को ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए जहाँ लोक लज्जा, जहाँ लोक लज्जा, चरित्रशीलता और अच्छे आचार विचार का पतन हो चुका हो, और अच्छे आचार विचार का पतन हो चुका हो। सदियों से तुम्हारा परिवार इस मंदिर का संरक्षण रहा है, सदियों से तुम्हारा परिवार इस मंदिर का संरक्षण कर रहा है, और तुमने ये काम किया। अजी मैं क्या। अब कोई नहीं करेगा ऐसे घर के आंगन में पूजा, अब कोई भी पंडित ऐसे आंगन में घर भी अब कोई नहीं करेगा ऐसे घर के आंगन में पूजा। स्थान ही दूषित हो गया है। देखा सब बातें कर रहे हैं, और अरे अपने अपने सीधे साधे पिता का मुंह तो देख लिया होता, अरे अपने सीधे साधे पिता का मुंह देख लेती, अरे अपने पिता सर मैं बोलता नहीं मत बोलो सर मैं जितना बोलता उतना बोलो गौर अरे अपने सीधे साधे पिता का मुंह तो देख लेती गुस्सा आया एक्स अरे अपने पिते अरे अपने पिता का सीधा साधा मुंह तो देख लेती आप थोड़ा राइट आइए, ये पंडित जी आप राइट आइए, बस ये नहीं उनको देखो सर ओरिजिनल देखो गाड़ी ले हां रोलिंग सर मोड रोलिंग एच क्षमा कीजिए संभव नहीं पंडित जी आप चिंता मत कीजिए ये हवन की सारी सामग्री है घर पे कहां नहीं हो सकता लाइन रोलिंग एच कहां ना नहीं रुक सकता आपके बाप वाले ऊपर 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 पंडित जी हम पापा के लिए इस बिना सही पूजा कर दीजिए पापा की कोई गलती नहीं है इस सब में गलती नहीं है पर दुर्भाग्य तो है और संतान के पापों का प्रायश्चित तो माता पिता को ही करना पड़ता है समझी तुम जो कर किए तुमने उसकी सजा माँ बाप ही भुगतेंगे चलो निकल जाइए बैठ जाइए उधर ही बैठ जाइए ना जगह बनाना पड़ता है पंडित जी गेट पे फट जाए मारो मारो वर्तमान में काले दिखी गए ओके हां हां चरित्रहीन संतान रहती है और बिल्डअप है देख रहे दूसरे को देखो ये गुस्सा है पंडित जी ज़्यादा मुँह मत बनाओ ये गुस्से में हो विधि चाहती हो तो सुनो अरे भाई लाइन कैसा हाँ